बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिरी हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार कंगना अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और साथ ही साथ इस केस को लेकर लगातार न्याय की मांग भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच कंगना अब विवादों में भी घिरी हुई हैं। कंगना की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी, जिसके बाद से कंगना और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच बहस छिड़ गई। लेकिन ये बहस दिन पर दिन आगे ही बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों पहले कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने जेसीबी चला दिया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अवैध निर्माण बताते हुए कंगना के ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स की तोड़फोड़ कर दी गई है, जिसके बाद से लगातार कंगना के सपोर्ट में बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कंगना की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जहां एक ओर कंगना विवादों में घिरी रहती हैं, तो वहीं लेकिन अब इसी बीच कंगना से जुड़े हुए पुराने विवाद भी सामने आ रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कंगना रनौत और फिल्म मेकर करण जौहर के बारे में। जब कंगना करण जौहर के टॉक शो द कॉफी विद करण में मेहमान बनकर पहुंची थी और उस दौरान कंगना ने बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज पर निशाना तो साधा ही और साथ ही साथ अपने तीखे बोल से करण जौहर को भी हैरान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंगना ने ये तक कह दिया था कि वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट करण जौहर को देती हैं। दरअसल आपको बता दें कि करण जौहर ने अपने शो में कंगना की इंग्लिश से लेकर उनकी पर्सनैलिटी तक का मजाक उड़ाया था और कंगना ने शो में पहुंचकर कहा था कि अगर आप यहाँ बैठे मेरी बुराई नहीं करते, अगर आप मेरी इंग्लिश का मजाक नहीं बनाते, तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इतना ही नहीं, कंगना ने इसके साथ साथ तीनों खान्स पर भी निशाना साधा था। कंगना ने कहा था कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ इसलिए फिल्म में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि इनकी फिल्मों में एक्ट्रेस के लिए कुछ खास काम करने को नहीं होता है, लेकिन अगर फिल्म में खान्स के बराबर काम करने का मौका मिला तो वो जरूर करेंगे। वेल, इसके अलावा कंगना ने करण जौहर को एक तड़कता भड़कता जवाब भी दिया था जब करण ने कंगना की बायोपिक के बारे में सवाल किया था और उस दौरान कंगना ने करण से कहा था कि उनकी बायोपिक में विलन के रोल के लिए करण जौहर होंगे। दरअसल आपको बता दें कि करण जौहर पर यह आरोप है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स को ही फिल्मों में मौका देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कंगना के बेबाक बयानों को सुनने के बाद करण जौहर भी परेशान हो गए थे और एक वक्त उन्होंने ये तक कह दिया था कि आज मेरी बहुत बुराई की गई है और मुझे जमकर निशाने पर लिया गया है। कॉफी विद करण में कंगना ने जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। हमेशा ही कंगना बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं और अपने बेबाक बयानों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। और अब तक कई सेलिब्रिटीज से कंगना की भिड़ंत भी हो चुकी है। वहीं एक बार फिर से कंगना लगातार अपने बयानों के चलते विवादों में घिरी हुई हैं और बॉलीवुड में छिड़े नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर लगातार कंगना अपना रिएक्शन देती हुई नजर आ रही हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।